नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स की एक समस्या कभी ख़त्म नहीं होती। पहले वैकेंसी नहीं थी तो अपने लिए वैकेंसी ढूंढ रहे थे, अब वैकेंसी है, अब ढूंढ रहे हैं बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट टीचर कौन है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, बेस्ट की तलाश आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। इंग्लिश में मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन टीचर से पढ़ते हैं, उनकी बताई गई चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर उनकी बातों को मानते हैं, तो उन्होंने हजारों हजार स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाया है, एक आपको भी दिला सकते हैं। लेकिन किसी भी टीचर को अगर आपने अपना गुरु मान लिया, गुरु माता मान लिया, किसी भी मैम को, फिर उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी कमियां पहचानने में टीचर को टाइम लगता है। ऑनलाइन स्टडी में जब तक हम कमियां पहचानेंगे तब तक आप किसी और के पास जाएंगे, वो कमियां पहचानेगा, किसी और के पास गए वो कमियां पहचानेगा, किसी और के पास गए वो कमियां पहचानेगा, तो फिर आप कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि लोगों ने, जिसने आपकी कमी जान ली, उसने जब तक आपकी स्ट्रेंथ बनाने के लिए प्लान बनाया, तब तक आप उसको छोड़ के चले गए, और हमारा आपका कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट तो नहीं होता। तो पहले मैं अगर देखूँ, देखो पहले तो टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो रेगुलर रोज क्लास हो, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरतें पूरी करें, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए, आपको प्रैक्टिस भी कराए, आपको वो कैब भी पढ़ाए, आपको मोटिवेट भी करे, आपको डांटे भी, आपको अच्छा भी बताए, आपको आप जो गलतियां कर रहे हो उसमें आपको डांटे भी। अभी मैंने देखा कि नीतू मैम पढ़ा रही हैं, लाइव आके पढ़ाने लगी हैं, तो नीतू मैम भाई उन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, मेरी नज़र में एक वो बेस्ट टीचर है। अगर वो रेगुलर आपको कॉन्सेप्ट फ्री में पढ़ा रही हैं, अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करा रही हैं, रेगुलर वो कैब पढ़ा रही हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो रेगुलर। एक अंकुल सर हैं, अगर वो रेगुलर आपको कॉन्सेप्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, अगर वो आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं रेगुलर आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तीसरा, मैं किसी से कमज़ोर हूँ क्या? मैं भी तो 5 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने भी बहुत सिलेक्शन दिलाए हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन ऑफलाइन पेड कोर्स फ्री कोर्स हर तरह से पढ़ के। तो ये मैं आपको 3 टीचर इंग्लिश के बता रहा हूँ, ये रेगुलर मेहनत करते हैं, स्टूडेंट के लिए मेहनत करते हैं, स्टूडेंट के लिए जान छिड़कते हैं, ये करो। और तीनों, अपनी भी बात करो, तीनों स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तीनों सख्त भी हैं, अपनी बात कहने से डरते भी नहीं हैं, आपको डांटने से भी नहीं डरते, लुल्लू पुंजू करके नहीं पढ़ाते, ये तीनों एक जैसे लगते हैं, मुझे अपने जैसे ही लगते हैं बाकी दोनों। पढ़ो, अब आपके पास मौका है, अब मत पूछना बेस्ट टीचर कौन है, इन लोगों की किताबें भी है, मेरी कोई किताब नहीं है, इन लोगों की किताबें भी है, तो वो टीचर बेस्ट है, उनकी किताबें भी बेस्ट है, पढ़ लो और मेहनत करो। इंग्लिश के बता दिए, अगर मैथ्स के चाहिए हो, जीके जीएस चाहिए हो, रीजनिंग चाहिए हो, बताना। इंग्लिश में तो मैंने 2 बताए, तीसरा अपना नाम ले लिया, मैथ्स में 3 बताएंगे, जीके जीएस में 3 बताएंगे, करंट अफेयर्स के भी 3 बता देंगे, लेकिन कमेंट करके पूछना हमसे।